वेलकम क्रिप्टो यूजर्स, एक नए शानदार वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज के ऊपर बात करूंगा, जिसके बारे में आप लोग जानना जरूरी है, क्योंकि यहां पर सीबीएनओ आज की कंडीशन में एक ऐसी स्थिति में है जहां से 150 से 200% का प्रॉफिट बेसिकली निकल सकता है, लेकिन अगर ये चीज़ हो जाए तो। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएनओ की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नस के बारे में, जिसको यार आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो वीडियो पर एंड तक बने रहना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। देखिए, यहाँ पर दो वीडियो पर डे आते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं सीबीएनओ के रिलेटेड। तो अगर आज की कंडीशन में देखें तो सीबीएनओ के ऊपर एक न्यूज बहुत तेज़ी से वायरल हो रही, जहाँ पर 150 से 200% की ग्रोथ यहाँ पर निकलने की चांसेस बन रहे हैं। लेकिन 635 ट्रिलियन सीबा लेवल का जो ये है, ये एक थोड़ा रोड़ा अटका रहा है। लेकिन अगर 150% की बड़ी रैली यहां पर होती है तो उसके लिए सीबा को क्या करना पड़ेगा। देखिए, आज की कंडीशन में सीबा एक ऐसे मुकाम पर है जहां पर सबसे ज्यादा अकाउंट्स यहां पर सीबा में बने हैं, और इसी टाइम सबसे ज़्यादा अकाउंट्स ने सीबा को बाय किया हुआ है, और आज की कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सीबीएनओ की कीमत सबसे निचले स्तर पर आज के टाइम से बनी हुई है, और व्हील्स इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा एंट्री ले रहे हैं, फिर भी इसे तोड़ने में बेसिकली असमर्थ हो रहे हैं व्हील्स भी। हालाँकि 24 घंटे में जिस टाइप से सीबीएनओ ने पिछले 48 घंटे में अचानक से इंक्रीजमेंट दिखाया और उसके बाद वापस डाउनफॉल दिखाया, थोड़ा सा शंका यहाँ से पैदा कर रहा था, क्योंकि अचानक से मार्केट बढ़ा था और फिर वापस उसी पोजीशन पर आ गया। लेकिन आज की कंडीशन में जबकि बुल्स बेसिकली अगली चाल के लिए यहाँ पर सोच रहे हैं, क्योंकि व्हील्स की तरफ से अगर हम देखें तो काफ़ी एंट्रियाँ ली जा रही है और बुल्स को कहीं ना कहीं वो धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो बुल्स कहीं ना कहीं अगली चाल के बारे में यहाँ से सोच रहे हैं, और सीबीएनओ को एक विशाल वॉल का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक बड़ी विशाल वॉल यहाँ पर बनी हुई है। अगर आज की कंडीशन में देखें तो पिछले एक साल से भी ये जो चाल है ये टूट नहीं पा रही हो, और अगर एक महीने का भी ग्राफ देखें तो यहां पर वॉल बहुत तेजी से, बहुत मजबूती से यहां पर खड़ी हुई है, जिस पर काबू अगर पा लिया गया तो यहां पर 150 से 200% का प्रॉफिट नेट यहां पर निकल सकता है। सीबीएनओ की कीमत को एक विशाल रैली लाने के लिए कम से कम ये जो बिक्री दीवार है इसको पार करने की आवश्यकता है। अगर ये दीवार पार हो गई तो सोचिए दीवार पार होने के बाद एक बड़ी रैली यहाँ से देख सकते हो, और फिर जो प्राइस है ना वो हिट कर सकते हैं 4-0 के बाद 27 तक। सोच रहे हैं आप, पॉइंट के बाद 4-0 के बाद 27 तक प्राइस हिट हो सकती है, और ये 200% आज की कंडीशन में अगर आप देखें तो 200% का प्रॉफिट यहां पर नेट निकल सकता है। अब वो बैरियर, वो दीवार क्या है, तो अगर आज की कंडीशन में देखें तो यहां पर अगर एक साल के भीतर देखें तो ये जो बैरियर यहां पर बन रहा है इस प्राइस को लेकर, ये रेगुलर बेस पर यहां पर बना हुआ है, ये बैरियर, ये बैरियर, ये बैरियर। और इसके अलावा एक महीने के ग्राफ में अगर आप देखें तो चार्ट में एक ट्रेड लाइन यहां से फॉलो होती हुई दिख रही है। देखिए, मैंने एक महीने का चार्ट निकाला है, थोड़ा सा नीचे करता हूं, तो यहां पर देखो एक ट्रेड लाइन बन रही है। अगर इस पॉइंट से हम मार्कर को लाते हैं तो एक ट्रेड लाइन इस ओर इशारा कर रही है। देखिए, ये इस ओर इशारा कर रही है। पूरे महीने भर में ये बैरियर बना हुआ है, और अगर इस बैरियर को यहाँ से टूट जाता है तो एक बड़ी रैली यहाँ पर आ सकती है, और इसके बाद आप देखेंगे तो जो एक साल के हिट है वो भी यहाँ पर टूटने के आसार बन रहे हैं। क्योंकि अगर ये एक महीने का बैरियर टूटता है ना तो बुल्स तो है यहाँ पर, जो व्हील्स है वो तो एक्टिव है, और नए यूज़र यहाँ पर आएंगे क्योंकि इसी बैरियर का टूटने का वेट कर रहे हैं। ये दीवार है बहुत मजबूत है, क्योंकि अगर ये ट्रेड लाइन इसको फॉलो करती गई तो यहाँ से एक नुकसान भी आप लोगों के लिए है, जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं कि एक महीने के अगर चार्ट में आप ट्रेड कर रहे हैं सीबा में तो एक लंबा लॉस आपको हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर इस ट्रेड लाइन को रेगुलर बेस पर दो बार फॉलो किया है, देखो यहां पर बना था तो यहां पर इसने इसको ब्रेक नहीं किया और इसको टच करने के बाद नीचे आया, फिर यहां पर एक बार टच किया इसी ट्रेड लाइन को, फिर से मार्केट नीचे आया, और यहां पर वही हुआ, फिर मार्केट नीचे आया। तो यहां से कुछ संकेत मिले हैं कि अचानक से मार्केट यहां से तेजी से हुआ था, 48 घंटे के अंदर अंदर इस पॉइंट से मार्केट ऊपर गया था। तो मेरा कहने का मतलब, ये जो ट्रेड लाइन है ये एक दीवार का काम कर रही है, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो 150 से 200% की रैली सीबीएनओ में आ सकती है। लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो यार इसी टाइप से नीचे की तरफ मार्केट जा सकता है, क्योंकि एक महीने में पूरा डाउनफॉल है, और सोचिए कि वापस 75 तक 5-0 के बाद प्राइस पहुंच सकती है, जो एक नेक्स्ट लेवल तक हो सकती है।
तो ये सबसे कमाल की चीज़ें है कि जिसको आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये दीवार बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है और इसीलिए यहाँ पर सब चीज़ें इसी के ऊपर रुकी हुई है और नए यूज़र नए बायर यहाँ पर एक्टिव नहीं हो रहे क्योंकि ये बैरियर नहीं टूट रहा है। और एक महीने का जब ये बैरियर टूटता है ट्रेड लाइन यहाँ इस ट्रेड लाइन को यहाँ से प्राइस ब्रेक करके ऊपर निकलती है इस टाइप से, तो फिर यार ये जो एक साल का ये जो बन रहा है ना एक साल का, ये भी यार कहीं ना कहीं ब्रेक होगा चार्ट और ट्रेड लाइन यहाँ से भी बेसिकली इसको भी फॉलो करते हुए यहाँ से ऊपर निकलेगी इस प्राइस से। और ये प्राइस अगर आप देखेंगे तो 4.0 के बाद 10.11 के आसपास बन रही है ये हाईएस्ट लेवल, तो इसको ब्रेक करेगी और प्राइस यहाँ पर 27 तक पहुँचेगी। ये वाला प्राइस जो 4.0 के बाद था ना इसको भी ब्रेक कर जाएगी, तो बस यही चीज़ें सबसे बड़ी है। अच्छा, एक और बर्निंग को लेकर न्यूज निकल कर आई है जिसमें यार स्काई रॉकेट की तरफ बर्निंग हुई है और लगभग 4,907% की सीबा में बर्निंग यहाँ पर हो चुकी है और भारी बर्निंग से जो कम्युनिटी है ना काफ़ी उत्साहित है यार यहाँ से, क्योंकि बर्निंग को लेकर काफ़ी न्यूज आ रही थी। तो अगर बर्न रेट में पिछले 24 घंटों में जो भारी वृद्धि देखी गई है ना उसके अनुसार यार बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि सीबर्स के अनुसार एक जले हुए सीबा टोकन की संख्या को ट्रैक कर रही हो और 24 घंटे में 4,900% की बर्निंग यहाँ पर हुई है। अगर ट्विटर हैंडल पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर ट्विटर पर इसके बारे में बताया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी गई थी जिसके बारे में बर्निंग अचानक से इंक्रीज़ यहाँ पर हुई थी और रेगुलर बेस पर यहाँ पर जो बर्निंग है वो हो रही है। तो ये मैसिव बर्निंग हुई है और ऐसे समय हुई है जब प्राइस अचानक से ऊपर की तरफ गई थी और फिर मार्केट नीचे की तरफ चले गया था, तो 4,900% की बर्निंग जैसे कि कहा जा रहा है सीबा इनू में रेगुलर बेस पर बर्निंग हो रही है और ये बर्निंग अचानक से इस वीक की सबसे तेज़ी से होने वाली बर्निंग हो चुकी है। और दैनिक बर्न रेट 97% तक बीच में कम हो गया था जिसके बारे में मैंने बताया था, लेकिन ये बर्निंग फिर से हो गई है और पिछले 7 दिनों की बात करें तो लगभग 210 मिलियन सीबा टोकन को बेसिकली जला दिया गया है और अच्छी खासी बर्न रेट में यहाँ पर सीबा में वृद्धि हुई है। और सीबा इनू बड़े पैमाने पर जलने की दर में जिस टाइप से उम्मीद जगाती है उसको देखते हुए महत्वपूर्ण जो अभी प्राइस स्तर पर चल रहा है सीबा यहाँ से उतार चढ़ाव में जो विफल रह रहा है इसको एक कहीं ना कहीं बूस्ट मिल सकता है और सीबा इनू चुपचाप से इसको ब्रेक ये जो ट्रेड लाइन है इसको ब्रेक कर सकता है, ये जो बैरियर ये जो दीवार है इसको ब्रेक कर सकता है। तो सीबा कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पर पहुँच सकता है। हालांकि इन सबके बीच यार 228 ट्रिलियन सीबा बाधा को मंडराने पर सीबा वेल्स ने कहीं ना कहीं रोके हुए हैं अपने कदम, क्योंकि आपने देखा होगा इस प्राइस पर वो भी चाह रही है कि एक बार प्राइस बिग ब्रेक करे उसके बाद यार व्हील्स यहां पर एंट्री ले, तो इसीलिए 228 ट्रिलियन सीबा अभी भी बेसिकली व्हील्स की तरफ से रोके हुए हैं जो इसी बात का वेट कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच यार एक अच्छी खबर ये निकल कर आ रही है वो है कि यार सीबा इनू को लेकर जिस प्राइस पर ये चल रहा है उसी बीच सीबा इनू का जो सिबेरियम है वो डेली ट्रांजेक्शन में फिर से एक डेली ट्रांजेक्शन में इंक्रीजमेंट देखने को मिली है, 2.93 मिलियन डेली ट्रांजेक्शन हो गए हैं और ये अच्छे संकेत है क्योंकि मार्केट अचानक से ऊपर कमबैक कर रहा है क्योंकि लोएस्ट पॉइंट से ऊपर की तरफ ही मार्केट जा रहा है, तो अच्छे संकेत है। और सीबा इनू के जो ट्रांजेक्शन में उछाल जो आया है वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी को भी उत्साहित करेगा ही करेगा और इससे यार कम्युनिटी भी काफ़ी उत्साहित होगी कि यार सिबेरियम चलो देर सवेरे वापस अपने लेवल पर पहुँचने का प्रयास कर रहा है। बाकी ओवरऑल यही है यार इस वीडियो में, मिलते हैं नई वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं 2 वीडियो पर डे पाने के लिए। गुड बाय।